आज विवेकानंद स्टार यूथ क्लब नेहरू युवा केंद्र ने युवा मामले और भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत पुनर्गठन दौड़ का आयोजन डींग संबली ब्लॉक मदली में हुआ, जिसमें कुल 15 युवाओं ने भाग लिया। इस मौके पर सीनियर NYZ और युवा नेता अमर सिंह मौजूद रहे। दीपक शर्मा की रिपोर्ट। समाज सेवी सुनील डिंपल ने जम्मू क्षेत्र में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए NEET JEE एंट्रेंस को स्थगित करने की मांग सरकार से की है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK खबर नाउ। कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि जो JEE के, JEE के और नीट के जो एग्जाम्स हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं, उसको भी भारत सरकार जो है स्थगित करे, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो कोरोना वायरस की चपेट में नहीं आ जाए और साथ में COVID-19 से बचाया जा सके उनको। इसकी जिम्मेवारी कोई नहीं ले रहा, इसलिए मैंने सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन से इस बात में ये कहा है। बिलावर में भारी बारिश का कहर जारी है। जैसा कि JK खबरनाओ आपको ग्राउंड जीरो का हर अपडेट दे रहा है, वहीं देवल मोहरा टंडी में भी पुराण चंद्र सन ऑफ जियालाल का भी घर बारिश की वजह से ढह गया है। उसकी भी प्रशासन से अपील है कि उन्हें जल्द से जल्द मदद प्रदान की जाए। दीपक शर्मा की रिपोर्ट। आज समाज सेवी संजय राजदान ने चीफ इंजीनियर PWD RNB अशोक कुमार के कोलिया से मिले और बसोली महानपुर रोड को लेकर लिखित रूप से बताया, जिसमें उन्होंने जल्दी से संज्ञान लेते हुए SC RNB PWD जम्मू रविंद्र मंसोत्रा को निर्देश दिए कि बसोली महानपुर रोड को जल्द से संज्ञान में लिया जाए। इसके रहते XENN बसोली को भी आगे के निर्देश जारी कर दिए जाएं, ताकि जल्दी से कार्रवाई हो सके और लोगों को राहत मिले। आपको बता दें कि भारी बरसात से इन रोडों की हालत काफ़ी जर्जर है, जिससे आमजन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दीपक शर्मा की रिपोर्ट। सुंदरबनी बाखर के इलाके में कच्चा मकान गिरने से 22 बकरियों की मौत। भारी बारिश की वजह से मकान ढह जाने से यह हादसा पेश आया। अब परिवार की सरकार से मदद की मांग है। कुलदीप चौधरी की रिपोर्ट। तो DC साहब ने भी ADC साहब को बोला है, वो भी मेरे हमरा साथ आ गए हैं, तहसीलदार साहब भी आ गए हैं। अब हमने शीप वालों को बुलाया है कि वो उसका मेडिकल करेंगे, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 30 बकरियां जो कि गरीब आदमी के लिए लाखों का नुकसान है, बर्दाश्त करना आज़ाद मुश्किल है। और मैं सिर्फ पूरी ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये यकीन दहानी कराता हूं कि जहां तक हो सकेगा इस गरीब आदमी की हम हर प्रकार से मदद करने की कोशिश करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से भी मदद करवाएंगे और जो हमसे हो सका वो भी इसकी मदद करवाएंगे। मनिल खजूरिया है, मैं जहाँ का सोशल वर्कर हूँ। तो हमें सुबह जब जानकारी मिली कि हमारे इन्होंने जब जो अपने इस मकान में आए जहाँ इन्होंने बकरियाँ रखी हुई थी, तो उन्होंने शोर शराबा डाला और हम पास ही में थे। हम सभी लोग जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, उन्होंने बहुत मदद की, जहाँ आकर इन बकरियों को निकाला। और अभी भी कुछ बकरियाँ नीचे हैं, वह अभी काम चल रहा है, राहत कार्य चल रहा है कि बकरियाँ पता नहीं कितनी हैं इसकी बीच में दबी हुई हैं, उनको निकाल रहे हैं। तो हम डिप्टी कमिश्नर जोरी से जो डिमांड करेंगे, जो गरीब आदमी है इसको जो कंपनसेशन इसको दिया जाए, क्योंकि जो गरीब आदमी है इसी पर इसका जो राशन का जो अपने घर का जो चूल्हा इसी वजह से चलता था, तो आज इसका गरीब आदमी का बहुत नुकसान हुआ है। हम जिला इंतजामिया से ये डिमांड करेंगे कि इसको बराबर का जो है मेडिकल टीम बुलाकर इसका जो बराबर इसको इंसाफ मिलना चाहिए और इसका कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये जो बड़ा हादसा हुआ है, कल एक बड़ी बारिश होने की वजह से हुआ है। ये सुबह 5:30 के करीब ये हादसा हुआ है। तो जब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली तो सभी हमने अपने आसपास सभी पड़ोस सभी जो गांव के हैं लोग हैं अपने वो सभी आगे थे, जहां उनको इन्फॉर्म किया था हमने, वो मौके पे आगे थे। और हमारी पुलिस स्टेशन धर्मशाला में हमने इन्फॉर्म किया, वो भी आगे जहां पे मौके पे। तो आकर हम सभी लोगों ने यहां पर इनकी मदद की और ये बकरियां बकरियां निकालने में निकाली गई, जिसमें 22 बकरियां जो अभी तक मर गई हैं और 3-4 करीब जो इसके नीचे अभी दबी हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हादसा है। ये बलिराम जी काफ़ी गरीब आदमी है, इसी पे डिपेंड है, बकरियों पे यही काम का, बकरियों से ही इसका गुजारा चलता है। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है कि इन इन इस बलिराम जी को इस चीज़ का मुआवजा मिलना चाहिए और गरीब बंदा है, इसको कुछ ना कुछ।
रंजीत सागर डैम पर ये बेहद ही दर्दनाक हादसा पेश आया है, जिसमें दो युवक बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसमें से एक की मौत हो गई। और आपको बता दें कि ये दोनों बसोली से लखनपुर की तरफ आ रहे थे। सुदर्शन भार्गव की खास रिपोर्ट। एक कार कब गिरी इसके बीच? अभी थोड़ी देर के पहले 4:30 बजे के करीब। हाँ जी, मेरे पापा ने बताया, वो सर्विस करते हैं, उन्होंने उधर से देखी थी, उन्होंने मेरे को कॉल किया, फिर मैंने उधर पुलिस कर्मियों को बताया, फिर उसके बाद मैं इधर आया तो फिर देखा तो नीचे गिरे हुए थे दो बंदे। हाँ, गाड़ी में कितने लोग थे? दो ही थे। हाँ, दोनों बाहर गिरे हुए? हाँ, दोनों बाहर गिरे। तो गाड़ी वो इसके बीच में झील के बीच में चली गई। हाँ जी, हाँ जी, आपने बाहर निकाला फिर? हाँ जी, हाँ जी, उनको बाहर निकाल के फिर उसके साथ और भी बंदे आ गए, फिर उसके ऊपर उनके ले आए और फिर उनको भेज दिया, हॉस्पिटल भेज दिया।